रोबोटिक वैक्यूम क्यों नहीं लेना चाहिए और वो इंडियन फैमिली के लिए सूट नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको पता है डोर के पीछे भी बहुत सारे कचड़े होते हैं, अपनी मम्मी से जाके पूछो, और वो वैक्यूम वहाँ पे जाके साफ नहीं कर सकता है। हर रूम में दरवाज़ा की ज़रूरत होती है और उस दरवाजे के पीछे वैक्यूम जा नहीं पाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हर इंडियन फैमिली में आपको देखने के लिए मिलता है, फ्लोर मैट। अब उसके नीचे तो वो जाएगा नहीं और उसके नीचे भी बहुत सारे डस्ट रहते हैं, तब आप क्या करोगे उस केस में? क्या आप हर बार आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा, मैट उठाना पड़ेगा, वो साफ करेगा? इट्स सो इरिटेटिंग। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस्टली है वो, सस्ता नहीं मिलता। 40,000 के नीचे आपको जो भी मिलते हैं वो वर्थ इट नहीं होते, और जो 40 के ऊपर है वो ज़्यादा वर्थ इट है, बट वो कहीं ना कहीं आपको गैप है। देखिए सिंपल सी यहाँ पर ये चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियरली शॉर्ट बता देता हूँ। आप सोच रहे हो कि रोबोटिक वैक्यूम आपको 20 के और अंदर मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला। मैंने भी एक लिया हुआ है जिसका मैंने डिटेल रिव्यू दिया, जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, वो Xiaomi के साइट से हमें देखने के लिए मिलता था, तो मैं डिटेल रिव्यू बहुत पहले डाल चुका हूँ, वो देख लिया जाना। तो और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सर्विस सेंटर देखने के लिए नहीं मिलते। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी या अन ब्रांड के प्रोडक्ट लोगे वैक्यूम में, तो ये मेजर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लस इसमें जब भी इसे रिपेयरिंग कॉस्ट भी हाई होता है, और मैक्सिमम ये आपका 2 से 3 साल चल सकता है, क्योंकि आपके इस केस में कुछ ना कुछ इश्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे बैटरी रिप्लेसमेंट, एंड प्लस यहाँ पे एक्सेसरीज भी इसके बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे क्या है ना, अगर आपका घर में जैसे इनसाइड लैडर होता है, यानी इनसाइड जो सीढ़ी होते हैं, वहाँ पे आप सोच रहे हो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जाके वो साफ करेगा, तो नहीं हो पाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक रूम से दूसरे रूम के बीच में कभी कभी थोड़ा सा बम्प बनाया जाता है डोर का, तो वो पार नहीं कर पाता है, और जो पार कर पाता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली एंगल पे आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला बेचने के लिए, बस आपको यहाँ पे बता देते हैं गुड रिव्यू, आप खरीद लोगे उसके बाद आप फंस जाओगे। अब इसके बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा नहीं है, इजी टू एक्सेस एक बेनिफिट इसका। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप शेड्यूल करके रख सकते हो, सुबह 6-7 बजे, 6 बजे, 5 बजे आप रख दो, सोते रहो, और वो अपने आप अपना काम करके चला जाएगा, तो ये बेनिफिट है। थर्ड यहाँ पर सबसे बड़ा एक और नुकसान की बात बताऊँ, इसके किसी जो आपको 30,000 के नीचे रेंज पे मिलता है, तो वो क्या होता है ना, जितनी भी डस्ट है वो अपने अंदर कंपार्टमेंट में जमा करता है, तो आपको वो साफ करना पड़ जाता है, तो वो एक थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है कि बार बार साफ करना पड़ रहा है। तो 30,000 के अंदर वाले जो सेगमेंट में आते हैं, वो अगर ऑटोमेटिक डस्ट थ्रो करने वाला रहता तो वो बेस्ट रहता, बट मैनुअली जाके निकालना आई थिंक वो ज़्यादा हैसल है एंड टाइम कंज्यूमिंग लगता है किसी चीज़ के लिए। मतलब अगर मैं 30-40 खर्च कर रहा हूँ तो मुझे उतना वर्थ इट होना चाहिए, नहीं तो मेरे को मतलब ही नहीं बना इतना मैंने पैसे जो खर्च किया। और उसका नेक्स्ट बेनिफिट हो सकता है मैप लोडिंग, यानी आपके घर का एक अच्छा खासा 3D मैप बना लेता है, तो उसको जहाँ पता है आपको कहाँ क्लीन करना है वो क्लीन कर देता है। बट एट द एंड जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो इंडियन फैमिली में आपको देखने के लिए मिलता है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनोवेशन इसे करना चाहिए वो इंडियन सेगमेंट के कंज्यूमर के हिसाब से करना चाहिए, जो मुझे अभी देखने के लिए फिलहाल नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास कोई भी लगता है कि हाँ यार ये भी क्लीन नहीं कर सकता है, आपके पास थोड़ा सा भी आइडिया आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपका नॉलेज तो मुझे मालूम है ही। ग्रेट, तो यहीं तक रखते हैं, एंड आपके पास कोई भी डाउट है या ओपिनियन है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो, क्यों नहीं करते हो, हम रियली वैल्यूबल रीच बनाए जा रहे हैं। बाय बाय।